सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज। ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू 2020 जावा क्लासिक। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे, सारे फीचर्स स्पेसिफिकेशंस जो भी अवेलेबल होंगे साइट्स में शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोग काफ़ी समय से क्लासिक के लिए पूछ रहे थे, जावा के मॉडल्स के लिए पूछ रहे थे, तो जैसे अवेलेबल हुए हैं आपके लिए इसका डिटेल वॉकराउंड रिव्यू लेकर आ रहा हूँ। और भी जो बाइक्स हैं वो भी आपको देखने को मिलती जाएंगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा कंपनी का लिंक, वहाँ जाके आप इसके बारे में और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले पाओगे। इधर भी वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी बाइक है, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी और अपने आप जो व्यूज़ हैं वो भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। चलते हैं पास में। सबसे पहले मैं आपको चेक कराऊंगा इसके हेडलैम्प्स, राउंडेड हेडलैम्प्स आपको दिए गए हैं, जो पूरी क्रोम बॉर्डरिंग से वो आपको प्रोवाइड करी गई हैं। देख लीजिए पूरा राउंडेड रेट्रो शेप प्रोवाइड करा गया, पूरी बाइक वैसे ही पूरी रेट्रो शेप पे डिज़ाइन करी गई, रेट्रो डिज़ाइन पे दी गई है। व्हील एरिया की बात कर लेते हैं, तो इधर आपको स्पोक व्हील्स दिए गए हैं, आपके जो MRF के टायर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करे जाते हैं और डिस्क ब्रेक भी आपको दिया गया है जो आपकी सेफ्टी इंश्योर करता है। अब चलते हैं इसका जो साइड प्रोफाइल है वो आपको चेक कराएंगे, वन फ्रेम व्यू देंगे आपको इसकी साइड प्रोफाइल का। बहुत अच्छा से कम्प्लीट एनहांस्ड फील आपको आ जाएगा इधर इसके साइड व्यू का, साइड प्रोफाइल का। चलते हैं पास में, इसका जो इंजन कंपार्टमेंट है वो आपको चेक करा देते हैं। इधर आपको लगभग बोल सकते हैं कि तीन कॉम्बिनेशंस देखने को मिलती हैं, जावा की जो ब्रांडिंग आपको एम्बॉस्ड मिलती है, पूरा नीचे तक ये एग्जॉस्ट तक आपका क्रोम फिनिश आता है अपना। इधर आप देख सकते हैं, तो आपको ये गोल्डन पे दिया गया, ब्लैक के साथ बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन लग रहा है इधर, ये जो डिज़ाइन इंसर्ट आप बोल सकते हो। चलते जाते हैं पीछे की तरफ, इधर आपको पीछे डिस्क ब्रेक नहीं दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक प्रोवाइड नहीं करा गया है। स्पोक व्हील्स आपको मैंने बता दिए थे, फ्रंट में MRF के आपको टायर्स मिलते हैं। इसके बाद इसका जो बैक प्रोफाइल है वो आपको चेक करा देते हैं। इधर आपको टेल लैम्प आपका बहुत ही क्यूट सा छोटा सा प्रोवाइड करा गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसके डिज़ाइन को काफ़ी अच्छे से बोल सकते हैं कि मैच कर रहा है एक तरीके से, आपको आई को अच्छी फील देगा, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग सा लगेगा, बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इसके डिज़ाइन को। और इधर पूरी आपकी जो क्रोम फिनिश है वो आपको प्रोवाइड करी गई है पियानो ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ, ये सुपर फील देता है। इधर से भी आप पूरा जो अपना व्हील एरिया है वो आप चेकआउट कर सकते हो। अब दोस्तों साइड फ्रंट बैक पूरा चेक करा दिया है मेरे हिसाब से, अब आपको जो अपर पार्ट है वो आपको दिखाएंगे। इधर आपको कोई भी बाइफरकेशंस नहीं मिलते हैं आपकी सीट्स में, इसकी जो कुशनिंग है वो मैं ज़रूर आपको चेक करा देता हूँ। बाकी बहुत सारे लोग अब तक ये बाइक परचेज़ कर चुके होंगे, तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है राइडिंग एक्सपीरियंस है वो ज़रूर शेयर करिएगा। अपर पार्ट को थोड़ा सा मैं ऊपर से दिखाना चाहूँगा, इधर से पूरा व्यू ले सकते हैं इसके अपर प्रोफाइल का, वन फ्रेम व्यू ले सकते हैं। फ्यूल इंटेक एरिया देख लीजिए, बहुत ही अच्छा सा आपको क्लासिक वाला फीलिंग आएगा, जैसे इसका नाम क्लासिक है तो वैसे ही आपको फील भी यहाँ पे आ जाएगी। पूरा ये क्रोम वर्क आप देख सकते हो, जावा की ब्रांडिंग आप चेकआउट कर सकते हो। इधर आपको ये गोल्डन फिनिश में सिंस 1929 लिखा हुआ, जैसे बहुत ही रेनाउंड ब्रांड है ये सब तो आपको पता ही होगा। बाकी मैं कुछ लिंक्स भी लगाने की कोशिश करूँगा जिसमें कि आपको हिस्ट्री पता चल जाए इस बाइक के बारे में। कंपनी का लिंक तो ज़रूर मैं दे दूँगा, उसमें भी जाके आप पढ़ सकते हो इसके बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं, जिधर आपका ओडोमीटर आपको बहुत छोटा सा डिजिटल दिया गया, बाकी आपका स्पीडोमीटर है, नॉर्मल सिग्नलिंग है, फ्यूल गेज है पूरा। इधर भी आपको जो क्रोम बॉर्डरिंग है वो देखने को मिल रही है। इसके बाद आपके हैंडल्स की बात कर लेते हैं, तो पास लाइट है, हाई बीम लो बीम है, इंडिकेटर है, हॉर्न है। इधर आपका जो इंजन किल स्विच है और आपका जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। रियर व्यू भी दिखा देता हूँ, तो इधर आपको ये क्रोम पे देखने को मिल रहा है, राउंडेड शेप में दिए गए हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों मैंने आपको इस बाइक का जितना भी डिटेल था सारा शेयर कर दिया है, साइड्स में शॉर्ट्स में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब दोस्तों मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में, आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे कार्स और बाइक्स के। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।